करसो के मेन बाजार में बने बड़े बड़े गड्ढे बारिश के समय सड़क पर चलने वाले स्कूली बच्चों तथा अन्य राहगीरों को लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। आलम यह है कि बारिश के समय में लोगों को सड़क पर डर डर के चलना पड़ता है। बताते चलें कि बारिश के समय इन गड्ढों में पानी भर जाता है तथा वाहनों के गुजरने से गड्ढों से कीचड़ निकलकर लोगों के कपड़ों पर गिर जाता है, जिसके कारण कई बार लोगों के कपड़े तक खराब हो जाते हैं। ऐसा ही मामला बुधवार सुबह भी सामने आया, जब एक छात्रा अपने शिक्षण संस्थान जा रही थी तो एक तेज रफ्तार वाहन ने उसके सारे कपड़े खराब कर दिए, जिस कारण छात्रा को निराश होकर वापस घर लौटना पड़ा। इसके चलते स्थानीय व्यापारियों तथा लोगों में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ काफी रोष है। बुधवार सुबह के समय स्थानीय व्यापारियों ने भारी बारिश में स्वयं गड्ढों में मिट्टी व पत्थर डालकर इन्हें भर दिया। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पहले भी उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने विभाग से मांग की है कि जल्द ही इन गड्ढों को भरा जाए ताकि राहगीरों के साथ स्कूली छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। नमस्कार, मैं प्रधान ग्राम पंचायत बढ़ारू दलित कुमार। आज बड़ी मुश्किल जाके बारिश हुई है और इस बारिश का हम बहुत आनंद उठा रहे हैं। और बारिश में हमारे को सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि सड़क में गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए हैं और गड्ढे में पानी भर चुका है और हमारे पत्रकार को अभी अभी गाड़ी वाले ने पूरा छिट दिया हुआ है इधर बुरी तरीके से। और हमारी पीडब्ल्यूडी से एक ही प्रार्थना है कि सड़क को जल्दी से जल्दी इन गड्ढों को पूरा भरा जाए और इनको बंद किया जाए। स्कूल के बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं, सड़क में गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए हैं। ये देखिए आप सामने, आपके सामने चीज है। और मोदी जी हमारे यहाँ के व्यापार के प्रधान, व्यापार मंडल के प्रधान, उन्होंने अभी इन गड्ढों को खुद भरा है। हमारी पीडब्ल्यूडी से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इनको डोको भरने की कृपा करें और जिससे हमारे को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ऋतु शर्मा। जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, जो बाजार है यहाँ पर जो सड़कें हैं उस पे गड्ढे ही गड्ढे हैं और आजकल जो बारिश हो रही है जिस कारण से राहगीरों को डाले जाते छात्राओं को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज ही का मामला है, सुबह एक बीएड की छात्रा जब शिक्षण संस्थान को जा रही थी तो एक गाड़ी वाला थोड़ी रफ्तार में आया और उसने उसके जो सारे कपड़े खराब कर दिए और जिस कारण उसे वापस से जाना पड़ा। इसलिए मेरा पीडब्ल्यूडी विभाग से यही आग्रह रहेगा, कम से कम आप इन गड्ढों को तो भर सकते हैं, इन गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए जिससे बहुत सी दिक्कतें हो रही है उनको सुलझाया जा सकता है। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक, वेब टीवी के लिए करसोग से दिनेश कुमार।